हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड थर्ड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 14 मनी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 14A फ्रॉम द असाइनमेंट नंबर 11। ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज टू पैसे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें रुपीस गिवन है, हमने उनको पैसे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट है रुपीज़ 5, तो 5 रुपी को अपने पैसे में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे होता है ना, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे। ठीक है, तो हमारे पास 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। ठीक है, अगर हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम फॉर द अदर्स, रुपीज़ 68 है, इसे पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 68 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 6800 पैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। नेक्स्ट है चेंज इन टू रुपीज़। रुपीज़ में कैसे करना है, पैसे हैं उनको रुपीज़ में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा है, तो 1 पैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/100 रुपीज़। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपने पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 100, बिकॉज 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं ना, तो 1 पैसे में कितने होंगे, 1/100 रुपीज़। ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 कर देना है। जैसे फर्स्ट है आपके पास 3225 पैसे, रुपीज़ में कैसे चेंज करोगे, डिवाइड बाय 100 कर दोगे। ठीक है, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 32.25 रुपीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने डिवाइड कैसे करना है, 100 में 2 ज़ीरोज़ होती है ना, 2 ज़ीरोज़ होती हैं, तो जो आपके पास गिवन नंबर है उसके राइट साइड से आपने 2 डिजिट्स को छोड़ के डेसिमल लगा देना है। ठीक है, जैसे कि ये है 265 पैसे, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो तो डिवाइड बाय 100 कर दोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे तो 2 ज़ीरोज़ है ना, तो 2 ज़ीरोज़ से पहले आपने डेसिमल लगा देना, मीन्स 2 डिजिट से पहले राइट साइड से, 5 और 6, इससे पहले 2 डिजिट्स हो गए ना, अभी इनसे पहले हमने डेसिमल लगा देना है। ठीक है, डिवाइड बाय 100 करोगे तो डेसिमल लगा देना 2 डिजिट से पहले फ्रॉम द राइट साइड। जैसे 50 था तो इसमें 2 ही डिजिट्स है ना आपके पास, तो 2 डिजिट्स पहले आपने डेसिमल लगा देना, उसके आगे 0 लिख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन में भी सेम है, ब्लैंक्स को फिल करना है, उसमें भी आपने रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है या पैसे को रुपीज़ में, तो सेम वही चीज़ करेंगे, रुपीज़ को पैसे में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और पैसे को रुपीज़ में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100। क्लियर। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 14B स्टूडेंट्स, इसमें आपको करने हैं ऐड। ठीक है, रुपीज़ भी दिए होंगे, पैसे भी दिए होंगे, रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करना है, पैसे को पैसे में ऐड कर देना। ठीक है, जैसे ये रुपीज़ पैसे, रुपीज़ नहीं गिवन है, पैसे ही गिवन है यहाँ पे, 20 पैसे प्लस 40 पैसे, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो इसमें रुपीज़ भी हैं, पैसे भी हैं, 5 प्लस 0 5 7 प्लस 5 12 होता है, तो यहाँ पे 12 आ गया, मीन्स रुपीज़ भी आ गए और पैसे भी आ गए। ठीक है, जब देखिए, अब ये हमारे पास रुपीज़ दिए हुए हैं, ये पैसे, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, पैसे के नीचे पैसे, 0 प्लस 0 0 6 प्लस 2 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने सभी में ऐसे ही ऐड करना है। एंड स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन में भी आपने सेम करना है, रुपीज़ दिए हुए हैं, रुपीज़ 20.55, मीन्स 20 रुपीज़ 55 पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आपने डायरेक्ट ऐड कर देना है। क्या करना है इसमें, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए बस, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन में सेम है, बस किस बात का ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, आंसर में भी सेम, और उनको डायरेक्ट ऐड कर देना। जैसे ये 3 गिवन है आपके पास, ठीक है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है आपने, और इनको डायरेक्ट ऐड कर देना, 5 प्लस 5 प्लस 0 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी गया, 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, 1 इज एट हियर 1 कैरी,
तो डेसिमल के साथ डेसिमल ही लगाना और जो कैरी होगा उसे आगे ट्रांसफर कर देना आपने, ठीक है। 1 + 1 = 2 + 6 = 8 + 8 = 16 यहाँ पे और 1 कैरी गया। 7 + 1 = 8 + 8 = 16 + 6 = 22 2 is at here and 2 carry 2 + 2 = 4 + 3 = 7 + 1 = 8 ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया। आपने बस क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल हो, उसके बाद डायरेक्ट ऐड कर देना है, क्लियर। एंड सेम फॉर द सब्ट्रैक्शन इन फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में आपने सब्ट्रैक्शन करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। फोर्थ में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे जस्ट वैसे ही आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड किया है ना, पैसे के नीचे पैसे, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, तो आपने उनको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे 80 - 45 है तो 0 में से 5 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 - 5 इट बिकम्स 5। 7 - 4 इट बिकम्स 3। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 35 पैसे, ठीक है। सेम फॉर द नेक्स्ट, इसमें रुपीज़ गिवन है आपके पास 70 - 25। तो 70 है, 0 में से 5 को नहीं माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर बोरो लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 10 और वहाँ पे बच जाएगा 6। 10 - 5 = 5। 6 - 2 इट बिकम्स 4। ₹45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड सेम फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल्स वाले हैं आपके पास, ठीक है। इसमें क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रखना है, उस बात का ही ध्यान देना है जो हमने एडिशन में की है। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, इधर जितने मर्जी कम हो उधर जितने मर्जी कम हो, ठीक है। और अगर बड़े नंबर में आपके पास नहीं लगाए हुए हैं यहाँ पे जीरोस, तो आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे जीरोस, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट बस डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ये है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल है, 5 - 5 = 0। 2 में से 4 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते ना स्टूडेंट्स हम, तो यहाँ से बोरो लेंगे, 12 - 4 इट बिकम्स 8। यहाँ पे 2 बच गया। अब 2 में से फिर से आप 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, फिर से बोरो लेंगे, यहाँ पे 12 - 8 इट बिकम्स 4। यहाँ पे 5 बच गया था, 5 - 2 = 3 - 7 एज इट इज इट बिकम्स ₹734.80, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप यू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो प्लीज ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इन योर बुक ओनली, ठीक है। बुक में ही सभी क्वेश्चंस करने हैं आपने, फर्स्ट एक्सरसाइज के भी और सेकेंड के भी बुक में ही करने हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, Hope you clear all the concepts. Okay, try all the questions of this exercise. Stay home, stay happy. Thank you. Have a nice day.